देना चाहेंगे, क्या विनंती करते हैं आप? विनंती है कि महापालिका से कि तात्काल इसको या क्या तो बंदोबस्त करके सामान रखे, ऐसा बड़ा डब्बा इब्बा ला के रखे कि लोग उसमें कचरा ला के डाले और टाइम कचरा उठाए तो इतना कचरा रहता नहीं। आपने कहा कि अभी कोई नगर सेवक आके देखता नहीं, तो आपने नगर सेवक को कांटेक्ट करने की कोशिश की? नगर सेवक को जाके इसका निवेदन दी गया हम और एक बार। अभी तो इलेक्शन चालू है, इलेक्शन नहीं है, वो माजी नगर सेवक है, अब वो क्या उनको क्या बोल सकते हैं अपन, इसलिए हमने उनको खाली एक दो बार बोले थे, अभी बोलना और जरूरी है। अभी हम जाकर उनको बोलेंगे, निवेदन देंगे वो मेंबर लोग को, भाई क्या तो भी इसका एक सोल्यूशन करो कि बच्चे कच्चे आने जाने वाले आरोग्य धोखे में। ये जो स्वच्छ भारत जो अभियान है जो सोलापुर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब क्या स्मार्ट सिटी करके बोलते हैं, लेकिन कोई अधिकारी साहब, कोई महापालिका आयुक्त तो आ रहा है, जब उसको साफ सफाई करते होते, पानी भी नहीं मारते, गाड़िया बीड़िया आते, बाद में कोई आता नहीं और देखता नहीं। तो आपके कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब ये, जब कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर आता है तो पानी वगैरह मारा जाता है? हाँ, जब ये कामड़े साहब जो है ना, जमादार जो है, जो जमादार है, खाली हो ना गाड़ी के ऊपर फिरता है, उसको कल कॉल करा मैं, तो कॉल करने के बाद मैं गाड़ी भेजी भेजता बोल को बोले यार, तो गाड़ी नहीं भेजा। तो ये लास्ट टाइम यहाँ पर साफ सफाई कब हुई थी, जैसे आपने कहा बड़े अधिकारी कौन आए थे? एक महीना 15 दिन पहले हुई थी तो साफ सफाई। लास्ट टाइम ऐसे कौन बड़े अधिकारी आए थे जिसकी तरफ से यहाँ साफ सफाई की गई थी? शंकर साहब आए थे, वो स्वच्छ भारत अभियान का मिशन था, कोई दिल्ली के आदमी लोग आ रहे थे देखने के लिए। कितने महीने पहले बात है ये? 3-4 महीने पहले की बात है, जनवरी में, जब है अभी तक कोई नहीं है। उसके बाद आज यहाँ कोई साफ सफाई का मामला नहीं हुआ, कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया? पीछे देख सकते सरकारी संडास है, वहाँ पर हमेशा साफ सफाई होती थी, अब नहीं हो पा रही। पिछले 4 महीने से नहीं हो रही है? नहीं हो रही, चक्टर है, बंद पड़ गया, खराब है, कोई ड्राइवर नहीं, ऐसा वहाँ पर लेके कुछ लोग आते हैं, वो वीडियो पर मोबाइल काटते हैं, ऐसा खराटा पकड़ के काम कर रहे वो पठाली। यहाँ पर घंटा गाड़ी आती है? घंटा गाड़ी बंद हो गई, पहले आती थी अब नहीं आ रही। यहाँ घंटा गाड़ी नहीं आ रही है? नहीं आ रही। तो यहाँ घंटा गाड़ी नहीं आ रही, कचरा गोला करने कभी आती गाड़ी कभी नहीं आती। बेस्ट है। नमस्कार दादा, साइन 24 से मैं जो चंदा, जैसे कि जानते हैं साइन 24 का हर जगह सर्वे होता है। इस वक्त मैं शहर सोलापुर बादशाह पेट शाहपुर चाली के यहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, स्वच्छ भारत अभियान में से एक यहाँ पर सोलापुर जो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। आइए, यहाँ पर जो कचरा जो देख रहे हैं आप अपनी आँखों से, जो स्कूल के बच्चे फैमिली होकर यहाँ से गुजरते हैं, तो यहाँ के लोगों को यहाँ की क्या तकलीफ हो रही है आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। जय जय महाराज, मैं पठान मोहम्मद रफीक बोलतो, यहाँ ठिकाण से कायम से रहवासी है। वारंवार सांगून सुद्धा येतात कचरा वेळेवर उचलत नाही। मधी मी ह्याबद्दल एका चॅनलवर दिली होती बातमी, तवा उचलून गेले, आता अजूनपर्यंत कोण आले नाही। 15-15 दिवस इथं कचरा कोण उचलत नाही का नाही सांगितलं तर मी हा म्हणजे आले नाही, काही झालं नाही, तर सर्व आरोग्य धोक्यात निर्माण झालेला आहे। श्री शंकर यांनी गेले, आता नवीन आयुक्त आलेले आहे, त्यांना बी आम्ही निवेदन देणार आहे याबद्दल। इथं काही व्यवस्था केलेली नाही, कोणते डब्बा मोठा काय तर ठेवा, त्यामध्ये नागरिक कचरा टाकतील, वारंवार सूचना देऊन सुद्धा कोणी बी टाकलेलं नाही। इथं आता किती दिवस झाले कचरा? आता 15-20 दिवस झाले, कोण कचरा उचलला नाही का नाही, सांगून सुद्धा काही उपयोग होत नाही। गाडी पाठवून देतो म्हणतात, गाड्या नाही, गाड्याचा का मेंटेनन्स चालू आहे, पाठवून म्हणजे आता इलेक्शन सुद्धा नाही, नगरसेवक नाही, कोणाला सांगायचा? आपके वार्ड के नगरसेवक कोण है? वार्ड के लोग हमारे यहाँ एक अजीत साहब भतपुरे मेंबर साहब थे, और पटक के थी रियाज खरीदी वैदा मंडाले और शेख मैडम थे, वो कभी इधर आके देखे नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो वो लोग यहाँ पर आके नहीं देखा, आपने उनसे कांटेक्ट किया? हाँ, उनसे कांटेक्ट किया, तो अभी हाँ बोलतू करते हैं, लेकिन बेचते नहीं कुछ नहीं क्या नहीं। एक तो स्कूल आने जाने के बच्चे हैं दुनिया के, इधर देखो आप बच्चों का कैसा होना क्या करना। अच्छा, आप लोग स्कूल के लिए जाते हैं, जो कचरा यहाँ पर दिख रहा है, इससे कुछ आपको तकलीफ होती है बेटा? हाँ, क्या तकलीफ होती है? सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्कूल जो बच्चे जाते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सांस लेने में तकलीफ होती है कचरे की वजह से। तो आप क्या निवेदन देना चाहेंगे, क्या विनंती करते हैं आप? विनंती है कि महापालिका से कि तात्काल इसको या क्या तो बंदोबस्त करके सामान रखे, ऐसा बड़ा डब्बा इब्बा ला के रखे कि लोग उसमें कचरा ला के डाले और
टाइम कचरा